मैं बस आया था पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस में से एक है, मैं बस कई पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है, उनकी एक्टिंग को पाकिस्तान में काफी सराहा जाता है, सोशल मीडिया पर भी मेहवस की बड़ी फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पर उनके 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन हाल में ही मेहवस के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद ही शर्मनाक है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक एक्टिव रहने वाली मेहवस ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हाथ में पाकिस्तानी झंडा लेकर अपना एक फोटो शेयर किया। फोटो के साथ मेहवस ने अपने देशवासियों के लिए एक खास मैसेज भी लिखा। मेहवस ने अपने संदेश में सभी पाकिस्तानी लोगों को उनके पूर्वजों के आदर्शों को अपनाने की बात पर जोर दिया। लेकिन हद तो तब होगी जब लोगों ने उनके मैसेज पर गौर करने के बजाय उनकी तस्वीर देखकर उनकी बरा के रंग पर बहस करने शुरू कर दी। फोटो में आप देख सकते हो मेहवस व्हाइट कलर की कुर्ते में नजर आ रही है और उनके हाथ में पाकिस्तानी झंडा है, वह काफी खूबसूरत भी लग रही है। लेकिन गंदी सोच वाले लोगों ने उनके मैसेज और अपने देश के झंडे पर ध्यान ना देने की बजाय ये जानना शुरू कर दिया कि उसने कौन से कलर की बरा पहनी हुई है। मेहवस को फोटो पोस्ट करने के बाद उनकी तस्वीर पर लोगों ने बत्ते कमेंट करने शुरू कर दिए, जिसको लेकर मेहवस ने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। मेहवस ने अपनी इसी पोस्ट को इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, इस पोस्ट पर आए कुछ कमेंट को देखा सच में दिमाग खराब हो गया, बेशर्म और बिगड़े हुए लोग मेरी ब्रा के रंग पर बहस करते दिख रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग कितना बीमार और गंदा है, ब्लैक ग्रे और ग्रीन जी क्या मतलब नहीं है, खुदा के वास्ते ग्रो अप, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समाज में यही गंदगी भरी है। मेहवस ने अपने दूसरा इंस्टा स्टोरी में लिखा, मैं बताना चाहूंगी कि समाज में बहुत भद्दे लोग हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, वो सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब इस एनर्जी को बेहतर चीजों पे लगाया जाए। बता दें कि मेहवस हयात ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2010 में की थी, उनकी पाकिस्तान में बड़ी पहचान है। रिपोर्टर के अनुसार मेहवस का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ भी जोड़ा जा चुका है, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करना आपको जो मेरी नॉलेज पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर शुरू कर देना। थैंक यू।